पॉलिथीन बैन, नशा मुक्ति और स्वच्छता अभियान के प्रचार प्रसार में लाखों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विवादों में आए नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नगर निगम सभागार में मेयर वीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पॉलिथीन बैग, नशा मुक्ति और स्वच्छता के प्रचार प्रसार अभियान के दौरान नगर आयुक्त के द्वारा 90,56,372 रुपए खर्च किए गए, जबकि खुद नगर आयुक्त ने आचार संहिता के दौरान स्टैंडिंग कमेटी की अनुमति के बगैर विभिन्न कार्यों पर 9 करोड़ रुपए का घोटाला किया। मेयर और डिप्टी मेयर ने कहा इसके प्रचार प्रसार पर जो भी पैसा खर्च किया गया वो स्टैंडिंग कमेटी और बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के बाद खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त के द्वारा वित्तीय अनियमितता के संबंध में पत्र जो भेजा गया है उसकी जाँच करने के बाद जो भी निर्णय सामने आता है उससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगर ऐसी अनियमितताएं हुई हैं तो फिर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सूद समेत पूरी राशि जमा करेंगे। 21 तारीख के बैठक नगर आयुक्त साहब को सर्वसम्मति से यहाँ से सेवा वापस करने, कई करोड़ों का अवैध आदेश अपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के ख्याल से करने, गलत और 420 करके पत्र निकालने इत्यादि के कई प्रमुख उदाहरण उनके हस्तलिपि में हैं और झूठा दुष्प्रचार ये साजिश शुरू से कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के बारे में, महापौर के बारे में, डिप्टी मेयर के बारे में, पार्षद के बारे में, बोर्ड के बारे में, सशक्त के बारे में, और यहाँ से करते करते न्यायालय, माननीय न्यायालय तक गए हैं, जिला पदाधिकारी यहाँ गए हैं, सरकार में गए हैं। जब उनको मालूम हो गया कि हमको यहाँ पद से हटा दी गई है, जब ये सारी बातें हो गई, उन्होंने बहुत कोशिश किया प्रोसीडिंग बदलवाने का, लेकिन यह संभव नहीं है। सभी सदस्य मिलकर ज्वाइंटली साइन करके प्रोसीडिंग निकाले हैं, बोर्ड का भी प्रोसीडिंग आपके सामने होगा, जिसको भी पढ़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में वो हम लोग पर अनर्गल, बेकार, बेबुनियाद बात का पत्राचार कर करके, इसलिए उनके पत्र का कोई वैल्यू नहीं दिया जाए। नगर आयुक्त के द्वारा जो हम लोग का आरोप लगाया गया है वह झूठा आरोप है और आम जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और वो राजनीति के तौर पर सबको भड़का रहे हैं। वो न सही समय पर ना ऑफिस आते हैं और कोई भी पार्षद उनसे भेंट करने जाते हैं उनको चपरासी के द्वारा अपमानित किया जाता है। ये घोर, इसके लिए हम लोग निंदा करते हैं। संवाद 365 के लिए बिहार गया से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट।